नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ पवन तिवारी। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पैडलर यानी टेबल टेनिस खिलाड़ी डॉक्टर नंदिनी बरुआ शर्मा का आज दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में 62 साल की उम्र में निधन हो गया। आपको बता दें कि उनकी तबीयत बहुत समय से ख़राब थी और उनका ट्रीटमेंट दिल्ली के अस्पताल में चल रहा था, लेकिन आज उन्होंने दम तोड़ दिया। मामले की जानकारी आपको दे दें, यानी कि उनके बारे में आपको बता दें, तो साल 1970 की एक बेहतरीन टेबल टेनिस खिलाड़ी वो रही और साथ ही साथ उन्होंने देश के तमाम खिताब उन्होंने जीते। इसी के साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम उन्होंने बनाया। आपको बता दें कि असम की जो टीम जिसका वो हिस्सा थी, उसने साल 1974 में पद्मावती ट्रॉफी जीती थी और साथ ही साथ वो नेशनल सर्किट की एक बेहतरीन और एक उम्दा खिलाड़ी थी। बता दें कि खेल के साथ साथ वो शैक्षणिक संस्थान से भी जुड़ी हुई थी और अपने अंत समय में भी वो समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वो दिसपुर कॉलेज के उप प्रधानाचार्य के तौर पर रिटायर हुई थी। नंदिनी शर्मा असम टेबल टेनिस एसोसिएशन के साथ भी जुड़ी हुई थी और असम के टेबल टेनिस एसोसिएशन ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। इसके अलावा भी असम के मंत्री और तमाम जो लोग हैं उन्होंने भी दुख जताया है। और साथ ही आपको बता दें कि उनके परिवार में उनकी माँ और उनके IAS रिटायर्ड पति किशोर शर्मा और साथ ही साथ उनका एक बेटा और एक उनकी बेटी है। और उनके बारे में आपको जानकारी दे दें तो भारत को उन्होंने एशियन चैम्पियनशिप जापान में रिप्रेजेंट किया था और वो असम की पहली महिला बनी जो भारत की तरफ से टेबल टेनिस खेल में इंटरनेशनल चैम्पियनशिप तक गई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि वो असम टेबल टेनिस एसोसिएशन की भी वाइस प्रेसिडेंट रही और साथ ही साथ वो भारतीय यानी कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की भी 2 times की सदस्य रही थी, उसके भी एक पद पर रहकर काम किया था। अब उनका निधन 62 साल की उम्र में हो गया और उनके जाने से लोगों के बीच दुख का माहौल है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी तमाम जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।